तो हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ए टू ऑल पर। तो आज मैं नेदर में जाकर वही डिस्कल कलेक्ट करूंगा, तो आज बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मुझे अपने मेन सामान लेने हैं, क्योंकि मेन सामान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पहले तो मुझे थोड़े से पोशन बनाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं थोड़े से कुछ चीज़ें ले लेता हूँ, उसके बाद हम मेन काम करेंगे। इधर से एक बोतल ले लेते हैं और ये तीन कांच ले लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्लास ऑफ बोतल, मतलब बोटल्स की। और आप लोगों को तो पता ही है नेदर, मतलब माइनक्राफ्ट में बोटल्स कांच से ही बनते हैं, तीन से तीन ही बनेंगे, हम अलग अलग नहीं बना सकते। ये लो भाई, तीन बन गए। अभी इन तीन को जल्दी से पानी में जाकर रिफिल कर देते हैं। यार मैं ये क्या बताऊँ, फ्रॉस्ट वर्कर के चप्पल से भी मैं परेशान हूँ बहुत, सच में। अभी हम जल्दी से इन तीन को लगा देते हैं इधर और पोशन बनाने के लिए रेडी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पोशन बनाना बहुत ज़रूरत है नेदर में। तो चलो अभी ये शुरू हो जाएगा। तो यार पोशन बनाने के लिए तो मैंने रख दिया है उन सभी कांच के ग्लास को, अभी नीचे चलते हैं। और ये मेरी क्या बताऊँ सुपर सवल है, इसका नाम मैं सुपर सवल रख दूँगा। खैर अभी हम जल्दी से जाकर थोड़े से मतलब अपना एक्सपी बढ़ा लेते हैं विलेजर से ट्रेड करके। थोड़ा सा ही एक्सपी रह गया है और ये भी जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई अभी हमारा एक्सपी तो सुपर बहुत बढ़ गया है, मतलब जितने की ज़रूरत थी उतना ही बढ़ गया है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी जल्दी से जाकर हम अपने इस स्वर्ड में लूटिंग 3 की मतलब एनचेंटिंग लगवा देते हैं, तभी हमें मस्त मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी जी से हम जाते हैं नीचे की ओर, और आपको तो पता ही होगा मेरा सीक्रेट रूम किधर है। मैं इतना तो श्योर हूँ कि जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे उनको इस जगह के बारे में पता होगा। खैर अभी हम नीचे की ओर चलते हैं और अपने सीक्रेट बेस में जाकर लूटिंग 3 के एन्चेंटमेंट को लगा देते हैं अपने स्वर्ड में। मुझे इतना तो पता है, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे वो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे। तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलना। और इसी के साथ मेरे स्वर्ड में वो लूटिंग 3 के एन्चेंटमेंट लग गई है। तो अभी तो मेरे पास सब कुछ हो चुका है, अभी हम चलते हैं नेदर की ओर, क्योंकि नेदर में ही है मेन मज़ा। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या मज़ा, क्योंकि विदर स्केलेटन को मारने में बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो अभी मेरे पास खाना वाना तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही है, अभी हमें चलना पड़ेगा पहाड़ की ओर। उससे पहले मैं थोड़े से इधर से पोशन ले लेता हूँ, ये तीन पोशन ले लिया मैंने, अच्छी बात है। चलो अभी हम चलते हैं नेदर की ओर। और हाँ यार, नेदर में जाने से पहले ये मेन बात कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो, और अभी चलते हैं। तो यार नेदर में तो मैं पहुँच गया हूँ, और यार क्या बताऊँ ये नेदर तो बहुत लाल लाल हो रखा है। अभी चलते हैं जल्दी से हम अपने वो ऐतिहासिक फोर्ट्रेस में, क्योंकि उस फोर्ट्रेस में मेरी बहुत सारे यादें हैं। तो यार इस तरफ जो मतलब ये इस तरफ का जगह तो आप सभी को याद होगा कि इस तरफ मैं हज़ार बार आकर मरा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। ओरे भाई साहब मैग्मा क्यूब, आज तो मैं इस मैग्मा क्यूब का भरता बना के ही छोड़ूंगा। यार मारो उसे, मारो आज इस तरह मैं छोटे छोटे सभी को बुलाऊंगा, सभी को कितने आएंगे, सभी आएंगे, सभी को मारूंगा, सभी को मारूंगा। अच्छा आजा आजा आजा, छोटे वाले को ज्यादा आ रहे हैं, इसे भी मारो, इसे भी मारो भैया, लास्ट वाले ये भी मर गया, चलो बहुत बढ़िया। ये वाले बात इस वाले को मारो, इस वाले को, इस वाले को, कितने सारे हैं बे, जीने नहीं दोगे क्या तुम लोग, करना क्या चाहते हो, पहले तुम यही मारा लेने दो। यार ये तो बहुत हैरानी हो गया है, क्या बताऊँ। यार छोड़ो यार अभी इधर से भाग जाते हैं, इन्होंने मेरा बहुत हेल्थ खत्म कर दिया। और इधर ब्लेज मामा आ गए हैं, मारो इन्हें, ये मर जा मर जा, मर गए, चलो एक तो मर गया, अच्छी बात है। और ये थोड़े से मैं हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, उसी के बाद दूसरे से पंगा लूँगा। ये तू भी आ जा, आ जा, आ जा। यार इतना दूर भाग गया तो कैसे मैं तुझे मारूंगा, यार कापास में आ जा, तेरे को कूट दूंगा। ओरे भाई जला दिया, जला दिया यार, ब्लेज कितना आरामी है, जला दिया। ओ भाई इसे तो वो से मारना पड़ेगा, ये वन टैप, चलो इसे वन टैप लग गया, बहुत बढ़िया। यार ऊपर से मुझे ब्लेज की आवाज़ आ रही है, चलो ऊपर की ओर जाकर देखते हैं, आई थिंक अगर मिल जाए तो उसे ही मार देंगे। चलो यार चलो, ओ भाई साहब ये ब्लेज ही क्या बोलता हूँ इसे, वो इधर है, मारो मारो मारो। ओ भाई मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, चलो चलो चलो। ओ भाई थैंक गॉड मुझे मिल गया, यार पहली बार में किसी को नहीं मिलता मगर मुझे मिल गया, इसीलिए थैंक यार रब्बुल आलमीन, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और लो भाई मैं नेदर फोर्ट्रेस के बाहर आ गया हूँ, अभी चलते अपने ओवर वर्ल्ड में, जाकर वहाँ पर मज़े करते हैं। तो चलो यार मैं तो अभी ओवर वर्ल्ड में पहुंच गया हूँ, एंड यार रात हो रखी है यार, यही तो एक गलत चीज़ हो गया। चलो 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 भागते हैं, वरना ये लोग मॉब्स लोग मुझे मार देंगे। तो चलो डे भी कर लिया है मैंने सोकर, और यार चलो अभी जल्दी से मैं इस विदर स्कल को जाकर रख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा
इसकी अगली वाली पार्ट में मैं विदर को मार के नेदर स्टार उत से कलेक्ट करके बीकन बनाऊंगा। तो मेरे पास तो बहुत सारे एमरल्ड ब्लॉक्स और गोल्ड ब्लॉक्स रखे हुए हैं, उनसे ही मैं बीकन बना दूंगा। तो अगली वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलना। और ये मेरे पास लगभग कुल 3 हो गए। तो चलो आज की लाइव स्ट्रीम मतलब वीडियो को इधर ही एंड करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. All the time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face.